सुना है, फिर वो तो डिवीजन बेंच पे अप्लाई करने के लिए चला गया तो सीबीआई ना हो, हमको उसको उसके साथ तो हम लोग बात नहीं हो पाया। जिस दिन इस घटना घटी थी उस दिन भी जरूरत पड़े थी उसको, उनको हमको बुला रहा था, फिर स्टूडेंट लोग बोला नहीं 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 वो आपको आपके पास कोई नहीं जाएगा, आप इधर आइए, फिर आया था लेकिन हमसे कोई बात नहीं की। सब कुछ तो सब एक नागरिक होने के नाते सब तो सबको तो लगता है जो सब ठीक ठाक चले, लेकिन ठीक ठाक नहीं चल रहा है ये तो हम सब लोग देख रहा है, सबका अभी मालूम पड़ गया। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 13-10 दिन उन्होंने चार्ज लिया अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फिर हम मांगेंगे कि उसके साथ वो आप जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। ये पूरा राजनीति का विषय है, वो राजनीति दल समझेंगे, हम तो कोई बात नहीं है। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो जिसको जस्टिस देना चाहिए था उन्होंने जस्टिस देने तो काम ठीक से नहीं किया, जस्टिस देने का काम तो नहीं किया ना, ये तो हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए तो हम सीबीआई के पास गया है, हाईकोर्ट में गया था। जो जो इस मेरा लड़की के बारे में आंदोलन में निकलेगा हम हर वक्त उसका पास है, उसको बधाई भी देंगे। नहीं नहीं एक आदमी का काम नहीं है, और भी है, इसका डिपार्टमेंट में ही है, डिपार्टमेंट का आदमी माल छोड़ के ये काम संभव नहीं है, जो काम किया है जो गलत काम किया है डिपार्टमेंट का लोग इसके अंदर है। अब क्या है हम लोग का कोई मालूम नहीं है, कोशिश हो रहा है, सीबीआई कोशिश कर रहे हैं क्या क्या सांस लेकर उगलने का उससे, अभी तो कोई रिजल्ट हमको पास नहीं आया ना, ये तो आप भी देख रहा है, जो जो चीज आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, ये तो सही है ही नहीं तो सामने कैसे आ रहा है, ये इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, हमको पास साथ कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं है।